आज के आधुनिक भारत में भी ऐसे ट्रेडिशनल इवेंट्स जैसे भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, ये भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के आयोजक श्री योगेश पांडे, आइए उनसे इस इवेंट के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इस इवेंट के बारे में हमें थोड़ा संक्षेप में बताइए। संक्षेप में मैं यही बताना चाहूँगा, शास्त्र हमारा जो है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अध्याय, अगर ग्रंथों में अगर श्रेष्ठ माना जाए तो श्रीमद् भागवत पुराण कथा। यह कथा अपने में अनंत है, परिपूर्ण है, इसका कोई छोर नहीं, अंत नहीं। इसे जितना हम गाते हैं हर बार नवीन लगता है हमें। 9 साल हो गया लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम प्रथम वर्ष इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और इस वर्ष हमने पिछली बार उमानंद तीर्थ महाराज जी आए थे, इस बार हम काशी धाम से कुणाल जी महाराज को बुलाए हैं और यहाँ के लोगों के बीच में हम चाहते हैं कि अपने मधुर वाणी से प्रभु चर्चा का जो भी है विषय लोगों के सामने रखें और इस कार्यक्रम को जनहित के लिए, कल्याण के लिए हम ऐसे बढ़ाते रहें, चलाते रहें। कथा में तो ऐसे कलश यात्रा में करीबन 1000 लोगों, तो आपने देखा होगा 1000 लोगों का आज समावेश था। जो अंतिम दिन होता है वो अंतिम दिन जो होता है उस दिन 7 से 10 हज़ार लोगों का होता है। और ये जो कथा है ये किसी एक का नहीं, ये सार्वजनिक कथा हमने रखा है जन कल्याण हित के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ के सुखमय जीवन सबका व्यतीत हो, इसके लिए हमें भागवत कथा करते हैं और सबके सहयोग द्वारा ये होता है कार्यक्रम। और लोग अपने इच्छा अनुसार इसमें आते भी हैं, सहयोग भी करते हैं और बड़े दिल से इसमें जुटे हुए हैं। मुझे किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता है, लोग अपने आप इसे पूर्ण करते हैं सब। और इस बार हम महाराज जी को बुलाएं, हम चाहेंगे कि आप महाराज जी से 2 शब्द इस बारे में, क्योंकि ये अथाह है, हम ज्ञान की बातें ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम तो छोटे मात्र जीव हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा है, जो भी है प्रभु जी का जिसमें वास होता है, जो भागवत जो कहते हैं वक्ता जी, चाहे वो सुखदेव जी कहिए चाहे कुणाल महाराज जी कहिए, उनके द्वारा मैं चाहूँगा कुछ अपने वक्तों को रखें जी। आपका परिचय सबसे पहले? परिचय, मैं काशीधाम से यहाँ आप लोगों के प्रेम के कारण उपस्थित होना पड़ा है और हमारे योगेश जी जिनके साथ कई हाथ हैं ऐसे मंच पर आकर के, ऐसे लोगों के बीच में आकर के अति आनंद की अनुभूति हो रही है। विशाल कलश यात्रा आपने अभी देखा है कुछ क्षण पहले और यहाँ विगत कई वर्षों से आपने बताया है कि यह कथा निरंतर जो धारा बहती चली आई है उसमें हमको भी डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह जो कथा है यह हर क्षण हर पल जीवन में आनंद को नित्य बढ़ाने वाली है। हमारे यहाँ जीवन में धर्म को भोजन से लेकर के, उठने से लेकर, सोने तक लेकर, हर विषय से धर्म को जोड़ा गया है और जिस व्यक्ति के, जिस प्राणी के जीवन में धर्म समाहित है, जो धर्म से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं वह व्यक्ति बिना किसी विघ्न के, बिना किसी दोष के, बिना किसी कष्ट के अपने जीवन को इस भवसागर से पार कर लेता है। भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, ये कन्हैया लाल की, भगवान श्री राम की, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुनहि बहुविधि सब संता, यह कथा अनादिकाल से चली आ रही है हजारों हजार वर्षों से। और हम तो बहुत ही तुक्ष प्राणी हैं, तुक्ष कथावाचक हैं, हमसे कितने योग्य विद्वान कथावाचक इस धरा पर इस रस का, इस कथा का गायन कर रहे हैं और इस आनंद को प्रदान कर हर क्षण हर गली हर मोहल्ले में यह कथा हो रही है, जिसके कारण कि यह पृथ्वी आज भी इस पृथ्वी पर पुण्य के कारण जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, यह जीवन का आनंद या जो भी कुछ दिखाई, वह धर्म के ही कारण टिका हुआ है। और जिस दिन धर्म का, हमको नहीं लगता है धर्म कभी समाप्त तो होने वाला है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा हम कर रहे हैं इसलिए धर्म हमारी रक्षा करेगा ही करेगा। और जिसके जीवन में धर्म का समावेश है उसका जीवन अत्यंत आनंदमय होता है, निश्चित रूप से वह कष्टों में रहते हुए भी कष्ट का अनुभव नहीं करता है, यही धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। हमें अधिक जानकारी दी योगेश पांडे और उनके साथ मौजूद पंडित कुणाल महाराज ने इस भागवत कथा के बारे में, और उन्होंने बताया कि इस आधुनिक भारत में भी धर्म को कितना महत्व दिया जाता है और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। कैमरामैन FS पटेल के साथ सौम्य सिंह, इन 24 न्यूज़, मुंबई।